कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ हुए रेप कांड ने न सिर्फ पूरे देश को आक्रोशित कर दिया था, बल्कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश भर के डॉक्टर्स सड़कों पर भी उतर गए थे। इस मामले से दुखी होकर दिल्ली के रहने वाले रावण बनाने वाले मशहूर महेंद्र पाल ने कोलकाता रेप कांड के दोषियों का रावण जलाने का फैसला लिया है। मेरा नाम महेंद्र पाल राय और यहाँ पर मैं महेंद्र एंड सुभाष मशहूर रावण वाले के नाम से मशहूर हूँ। कौन सा मार्केट है ये? मार्केट है रावण मार्केट, टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन, नजफगढ़ रोड, न्यू दिल्ली 27। सर, कोलकाता में जो डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, उसको लेकर के क्या आप रावण तैयार कर रहे हैं? हम उसको लेकर रावण तैयार कर रहे हैं और हमने इस पर डायलॉग भी लिखा है, भाई कोलकाता की बेटी को इंसाफ दो, जो कोलकाता के रावण है इनको फांसी दो। तो फिर आपको क्या लगता है, इस समय रावण ज्यादा है या राम? अब तो रावण ज्यादा है, धरती पे रावण इतने बढ़ चुके हैं, बहुत रावण है। वो जो त्रेता युग का रावण था उसमें और कलयुग के रावण में क्या अंतर है? अरे त्रेता युग का रावण था, जो उसने एक बार गलती की वो आज तक उसको दिखाया भी जा रहा है, दर्शाया भी जा रहा है, और जो ये आज के रावण है ये तो गलती पर गलती करते जा रहे हैं। इनको यूं नहीं भाई हमारी बहन बेटी है या भाई क्या है क्या नहीं, तो ये तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक रावण है, इनको तो तुरंत फांसी देनी चाहिए ऐसों को। आपको बता दें कि नजफगढ़ रोड पर दशहरा के लिए रावण बनकर तैयार है, कीमत 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक है। इस बार कोलकाता के रावणों को ही बुराई मानकर उनको जलाने का फैसला महेंद्र पाल, जो कि पिछले 50 सालों से दिल्ली में रावण को बना रहे हैं, उन्होंने इसी थीम को चुना है। उनका मानना है कि रावण एक बुराई है और जब जो भी बुराई हो उसी का रावण जलाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस बार कोलकाता के रेप कांड के दोषियों का रावण जलाने और डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ही रावण तैयार किया है और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। महेंद्र पाल बताते हैं कि कोलकाता रेप कांड ने उनको अंदर तक आहत किया था, यही वजह है कि इन्होंने तय किया था कि इस बार दशहरा पर कोलकाता रेप कांड के दोषियों का पुतला जलाया जाएगा रावण के रूप में। लोगों को भी महेंद्र पाल की ये थीम काफी पसंद आ रही है और अब तक उनके 10,000 से ज्यादा रावण बिक भी चुके हैं। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।